दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं आपके डाटे को कोई भी बंदा एक्सेस ना कर पाए, आपकी पिक्चर, आपकी वीडियोस, आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में सेव रहें और ऐसी जगह सेव रहें कि कोई भी बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक ऐसी तगड़ी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने डाटे को सेव कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन में दोस्तों, जब आप अपने डाटे को सेव करेंगे तो कोई भी बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये एप्लीकेशन एक वॉलेट एप्लीकेशन, इसमें आपने अपना इंपॉर्टेंट डाटा रखा हुआ है। दोस्तों, ये कौन सी एप्लीकेशन है वो वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे इस प्लेनेट पर पहली दफा उतरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाना। इसका बेनिफिट ये होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस प्लेनेट पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे, क्योंकि हम इस प्लेनेट पर बेस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। अगर आप बेल के आइकन को नहीं भी दबाते तो मेरा कुछ नहीं जाता। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। इस एप्लीकेशन का क्या नेम है, कहां से डाउनलोड करना है, वो वीडियो के मैं एंड में जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन में अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1234, फिर आपने कन्फर्म करना है, वही पासवर्ड मैं सेट कर देता हूं जो मैंने पहले सेट किया। उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। बेसिकली दोस्तों, ये देखने में तो एक गूगल क्रोम ब्राउजर ऐप है, लेकिन दोस्तों असल में ये एक वॉलेट ऐप है जिधर आप अपने डाटे को सेव कर सकते हैं। अब आप अपने डाटे को सेव किस तरह करेंगे, आपने सर्च बार में जाना है। अगर आप कोई भी सर्च बार में जाके कोई भी चीज को सर्च करते हैं तो वो दोस्तों सर्च में आ जाएगी, मतलब ये गूगल की तरह ही है। अगर कोई बंदा, आम बंदा इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा दोस्तों, वो यही समझेगा कि ये एक ब्राउजिंग ऐप है। लेकिन दोस्तों, जो आपने पासवर्ड सेट किया था, आपने वो पासवर्ड इधर लिखना है सर्च बार में। तो मैंने दोस्तों 1234 लिखा था, वो लिख के आपने सर्च का बटन दबाना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये वॉलेट ओपन हो जाएगा। आप इधर अब कोई भी पिक्चर को, किसी भी वीडियो को, किसी भी ऑडियो को, कोई भी डॉक्यूमेंट को इधर रख सकते हैं। कोई भी बंदा नहीं अंदाजा लगा सकता कि ये एक वॉलेट ऐप है। तो दोस्तों, किस तरह आप सेव कर सकते हैं, मैं प्लीज ऐड अ फोल्डर पे क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले आपने कोई भी फोल्डर नेम दे देना है, तो मैंने फोल्डर नेम दे दिया, उसके बाद कंफर्म किया। उसके बाद आपने दोस्तों प्लस के बटन पे क्लिक करना है। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने फोटो एंड वीडियो में चले जाना है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जिस भी पिक्चर को आप सेव करना चाहते हैं, आप सिंपली गैलरी से लेके इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह आप दोस्तों अपने डाटे को सेव कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं दोबारा बैक जाता हूं और दोबारा इसको ओपन करके देखता हूं, तो देख सकते हैं ये एक ब्राउजिंग ऐप ही ओपन हो गई है। कोई भी बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये एक वॉलेट ऐप है। तो अगर मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूं अपने वॉलेट को, तो मैंने वही पासवर्ड लिखना है, तो मेरा वॉलेट ओपन हो गया। दोस्तों, अब बात रही इस एप्लीकेशन का नेम क्या, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहां से करना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नेम है सीक्रेट गैलरी। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, वहां लिंक होगा, वहां जाके इजीली डाउनलोड कर लेना। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को लाजमी दबाना। कमेंट बॉक्स मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।